नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में आज बिजनौर के शेरकोट में प्रत्याशी प्रतिनिधियों संघ, पुलिस अधीक्षक पूर्वी एवं पुलिस क्षेत्र अधिकारी अफजलगढ़ ने बैठक का आयोजन कर दिशा निर्देश जारी किए। शुक्रवार को शेरकोट थाना प्रांगण में पुलिस अधीक्षक पूर्वी ओमवीर सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ सुनीता दहिया द्वारा सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों संग थाना परिसर में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को कहा गया। साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन का पालन करने और जनसभा और जुलूस आदि निकालने को कहा। इस अवसर पर SP पूर्वी ने कहा कि उत्साह में अति उत्साहित होकर गलत कार्य न करें। उन्होंने दो टूक चेतावनी जारी कर कहा कि कानून का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहकर दिशा निर्देश का पालन कर अपना चुनाव प्रचार करें। मतदाताओं को लालच देकर लुभाने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें भी अवगत कराया गया है, चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, निष्पक्ष पारदर्शी हो, और इसके साथ साथ क्योंकि हम लोगों के यहाँ 14 तारीख में इलेक्शन है तो 12 तारीख की शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार रहेगा। सभी कैंडिडेट से ये आग्रह किया गया है कि नियम कानून के दायरे में रहकर विधिवत अनुमति प्राप्त करके अपने चुनाव प्रचार को संपन्न करें। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उन अति उत्साह में उनके जो समर्थक हैं वो कहीं नियम और कानूनों का उल्लंघन करें तो निश्चित रूप से उस पर फिर कार्रवाई होगी। विगत कुछ दिनों में भी कई कैंडिडेट्स पे जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो यही आग्रह किया है कि इसकी नौबत ना आए और चुनाव प्रक्रिया सकुशल निर्विघ्न रूप से पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। कुछ बूथ हैं जो सभी बूथों पर CPMF का कवरेज है, जो केंद्रीय पुलिस बल हैं वो लगाए जाएंगे। इसके